सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। इंडियन सोसाइटी ऑफ नेक्रोलॉजी वाराणसी के 27वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन होटल रमाडा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया, जिसमें कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय इस समारोह के विशिष्ट अतिथि थे। देश के उत्तर भारत के विभिन्न शहरों से आए गुर्दा रोग विशेषज्ञ, डायलिसिस एवं गुर्दा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ, विभिन्न गुर्दा रोगों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। आयोजन सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी डिसीज, ग्लोमेरुलर डिसीज, गुर्दा प्रत्यारोपण व जीनो ट्रांसप्लांटेशन सहित गुर्दे की विभिन्न बीमारियों पर व्याख्यान किए गए। To Dr. A.K. Bhalla, please. With the response which I could get from every nephrologist who has traveled from the long distance of North India, and it is really a pleasurable thing. लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, जिनके कारण मैं यहाँ उपस्थित हूँ, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर पी के राय साहब, डॉक्टर संजीव गुलाटी जी, डॉक्टर ए के भल्ला जी, डॉक्टर एच एस कोहली जी, डॉक्टर जयप्रकाश ओझा जी, सीताराम ओझा जी, सभागार में उपस्थित इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठजन, देवी और सज्जनों तथा मित्रों, आप सभी के बीच इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होना मेरे लिए निश्चित रूप से अत्यंत प्रसन्नता की बात है। सुबह संयोग है, किसी पारिवारिक समारोह में मुझे काशी और अपने गांव आना था, उसी अंतराल में यह कार्यक्रम था, इसलिए मुझे सौभाग्य मिला इस कार्यक्रम में भाग लेने का। मेरे पूर्व वालों जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐड के तौर पर, तो छोटे समय के ऐड के तौर पर थे, मैंने बढ़िया सीरियल चलने वाला हो तो विज्ञापन थोड़ी देर का ठीक लगता, मैं तो 5 से ज़्यादा देर तक विज्ञापन के रूप में उपस्थित हूँ, क्योंकि यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनकी रुचि नेफ्रोलॉजी में है और हम लोग, मुझे लगता है कि उससे दूर दूर तक वास्ता हम लोगों का नहीं। लेकिन ये सच है कि पिछले 2 वर्षों में ये जो ग्लोबल पैंडमिक आया, देश में एक बड़ा परिवर्तन लोगों ने देखा, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हों, डॉक्टर्स हों, मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग हों, अनेक प्रकार के अनुभव आए हैं और अनेक लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। प्रदीप जी ने ठीक कहा, कोरोना आउटब्रेक के बाद की जो घटनाएं, वो सिर्फ मानव इतिहास की नहीं बल्कि वैश्विक स्वभाव को भी नया स्वरूप दे रही। मेडिकल साइंस ने दशकों से अर्जित किए गए शोध कार्यों में जरूरी परिवर्तन किए हैं पिछले कुछ दिनों में और संस्थागत तरीके से। चीज़ अच्छा है गुर्दा रोग के मरीजों के लिए, कैसे उसका निदान किया जा सकता है और कैसे उपचार किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हो। जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन और आज के नए युग में जीनो ट्रांसप्लांटेशन पर भी चर्चा का एक विषय है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि सारे लोग तनावग्रस्त हैं, इससे ढेर सारी बीमारियां हो रही हैं, कैसे तनावग्रस्त की स्थिति में स्पिरिचुअलिज्म और साइंस को जोड़ करके इन मरीजों का इलाज किया जा सकता है और कैसे उन लोगों को लंबा जीवन दिया जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। इसमें मुख्य अतिथि माननीय मनोज सिन्हा जी थे और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आलोक राय जी थे, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इसके अलावा इस
कॉन्फ्रेंस में ढेर सारे शीर्ष वैज्ञानिक देश के शीर्ष संस्थानों से आए हुए हैं, उनमें प्रोफेसर HS कोहली, प्रोफेसर मनीष राठी और डॉक्टर राजा रामचंद्रन PGI चंडीगढ़ से आए हैं, प्रोफेसर दीपांकर भौमिक जो है और डॉक्टर अरुण कुमार एम्स नई दिल्ली से आए हैं। इसके अलावा BHU से प्रोफेसर जयप्रकाश ओझा, प्रोफेसर KK त्रिपाठी और प्रोफेसर RJ सिंह आए हुए हैं और प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं जो कि वैज्ञानिक पार्ट है उसके। इसके अलावा बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कि आज की डेट में देश के बहुत ही नामी गिरामी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि मेदांता हॉस्पिटल, आपका गंगाराम हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, अपोलो दिल्ली और अपोलो लखनऊ, मेदांता लखनऊ और संजय गांधी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स आए हुए हैं जो कि अपना शोध पत्र पढ़ेंगे और ढेर सारी वैज्ञानिक जानकारियाँ गुर्दे के रोगों से संबंधित शेयर करेंगे। उससे हमको लगता है कि जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लाभान्वित होंगे और अपने जगहों पर जाकर के उन विधाओं को अगर अप्लाई करते हैं तो गुर्दे के मरीजों का इलाज करना आसान होगा और उनके जीवन को आगे बढ़ाना आसान होगा। गुर्दा रोग का इलाज ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, गुर्दे रोग के बारे में आप सबको ये जानने और जागरूकता क्रिएट करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने आग्रह पहले भी किया हुआ है कि हम लोगों के देश में शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी भयावह रूप लेती जा रही है, पथरी की बीमारी भी कम नहीं है, इन सब से गुर्दे खराब होते हैं, बार बार इन्फेक्शन होने से गुर्दे खराब होते हैं। अगर प्रारंभिक अवस्था में इन सब चीज़ों की जानकारी हो जाए तो हम सब मिल करके गुर्दे के रोग को होने से बचा सकते हैं और अगर हो ही गया तो उसको आगे बढ़ने से बचाव कर सकते हैं। गुर्दे के कम्प्लीटली ख़राब हो जाने की स्थिति में आज की डेट में गवर्नमेंट के सहयोग